नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन 13 अक्टूबर 2024 को करने वाले हैं। तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है, तो देखिए 13 अक्टूबर 2024 की सुबह है, 5:49 पर दैत्य गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां की 7 नवंबर 2024 तक ये रहने वाले हैं। तो क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है? देखिए, शुक्र के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को एक शुभ ग्रह माना जाता है और मान्यताओं के अनुसार इनको दैत्यों का गुरु भी माना जाता है। अगर किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर यह प्रभावी हो, बलवान हो, तो जीवन में कई प्रकार की सफलता देते हैं। शुक्र को व्यापार का कारक मानते हैं। संगीत, काव्य कला, गृहस्थ सुख, शेयर मार्केट, हर प्रकार की लग्जरी, इन चीजों का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों में अपना प्रभाव रखते हैं। तो जब किसी भी जातक की कुंडली में मजबूत होते हैं तो सबसे पहले जातक के व्यक्तित्व को लेकर विशेष आकर्षण देते हैं। शुक्र अगर बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम करेगा उसमें क्रिएटिविटी रहेगी। बलवान शुक्र के प्रभाव से सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख मिलता है। अगर कुंडली में शुक्र बलवान हो तो जातक के पास कई भवन, कई भूमि, कई वाहन देखने के लिए मिलता है। बलि शुक्र के प्रभाव से क्रिएटिव क्षेत्रों में सफलता भी मिलती है, जैसे संगीत है, साहित्य है, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। और अगर शुभ हो तो जातक के जीवन में वैवाहिक सफलता भी मिलती है। और कहीं अगर कुंडली में पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, मंगल के साथ युति में हो, या सूर्य के साथ हो, या शुक्रदेव चंद्रमा के साथ हो, तो देखिए जातक के जीवन में यौनांगों या जननांगों से जुड़ी हुई बीमारियां देते हैं। स्वभाव में आक्रामक स्वभाव जातक का हो जाता है। धन संकट का सामना जीवन में जरूर करना पड़ता है और मान सम्मान की कमी भी रहती है। तो भाइये, हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों की जानकारी जो है वो चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। आपकी कुंडली के द्वितीय और सप्तम घर के स्वामी ये माने जाते हैं, जो कि 13 तारीख को कुंडली के 8वें घर में इनका प्रवेश होने वाला है। कुंडली का जो अष्टम घर होता है उससे आकस्मिक धन लाभ के बारे में, आयु के बारे में विचार करते हैं, दुखों के बारे में, ससुराल पक्ष और शोध कार्यों के बारे में विचार किया जाता है। तो इस समयावधि में यानी इन 24 दिनों में मेष राशि वाले जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों, इनकी दृष्टियां जो है वो आपके धन स्थान पर जाने वाली है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपका जो जुड़ाव है उसमें व्यस्तता दिखाई दे सकती है। और मेष राशि वाले जातक जो हैं, अचानक अपने जीवन में कई स्रोतों से धन लाभ भी अर्जित करते हुए नजर आने वाले हैं। पारिवारिक जीवन को लेकर समय बेहतर है। अगर पारिवारिक जीवन में स्थितियां पूर्व समयावधि से नेगेटिव है तो परिवार जनों का सहयोग भी इस समयावधि में मिलेगा और परिवार के दृष्टिकोण से संभावना बेहतर इस समयावधि में रहने वाली है। निजी जीवन में, वैवाहिक जीवन में जातकों को इस समयावधि में सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं
और कुंडली के अष्टम घर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ अहंकार से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है या वाणी के द्वारा टकराव भी होने की संभावना दिखाई देने वाली है, क्योंकि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी ही ये माने जाते हैं। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में काम करते हैं तो करियर के मामले में परिवर्तन भी आपको जरूर मिलने वाला है। और यहां पर आपके जीवन में आपको संतोषजनक परिणाम मिलने वाला है। इस समयावधि में जो मेष राशि वाले जातक वाणी और बुद्धिमता के द्वारा काम कर रहे हैं या किसी प्रकार के क्रिएटिव क्षेत्रों में आपका जुड़ाव है, यहां पर आपको शुभता भी मिलने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को निवेश से बचना चाहिए। अगर आप धन का निवेश करने जा रहे हैं तो आपको सोच विचार कर निवेश करना चाहिए। शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी, इन सभी चीजों में आपको सोच विचार कर निवेश करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। सेहत के मामले में आपको इस समयावधि में आंखों का खास ख्याल रखना चाहिए और गलत खान पान से भी आपको बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में मिलने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में जातकों को शुभता अर्जित करने के लिए ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना जीवन में शुभता देने वाला है। शुक्र से जुड़ा हुआ यदि आप दुष्प्रभाव समाप्त करना चाहते हैं तो सफेद चीजों का दान करना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतर रहने वाला है। इसमें चावल, शक्कर, कपास, सफेद वस्त्र, इनमें से किसी भी चीज का यदि आप दान करते हैं तो आपके जीवन में शुभता रहने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः।